Students, so welcome to class 11th chemistry. Our first topic that we are going to discuss is basic concepts of chemistry. So let us start. Hope you are doing well at home. Let's start. So firstly, basic concepts of chemistry. Now you have come to class 11th. Now the chemistry is a major subject for you all. ठीक है? So in this you must be knowing that chemistry की importance क्या है. अगर आप वो subject पढ़ रहे हैं तो पहले तो as the name suggests आपको पता होना चाहिए कि basics क्या है. So this chapter number 1 is very important for the learning because इसी से हम पूरा आगे बढ़ते जाएंगे. ये chapter एक backbone है. We need to create the backbone for going further. ठीक है? So this chapter is very important. So let's concentrate and focus here. Basic concept of chemistry. First thing that comes in our mind is what is chemistry? What is chemistry? Answer is, it is a branch of science that deals with atoms, molecules, and its transformations. क्या मतलब है कि ऐसी ब्रांच साइंस की जो एटम से, मॉलिक्यूल से, मैटर से, कंपाउंड से डील करती हो और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखती हो. जैसे एटम से हमने कुछ और एटम क्रिएट कर लिया, मॉलिक्यूल से हमने एटम में डिवाइड कर दिया, कुछ कंपाउंड बना दिया, कुछ और नई डिस्कवरी कर दी. सो इन सारी जो ये पूरा जो साइंस है उसको नाम दिया गया है केमिस्ट्री. नाउ सेकंड थिंग दैट कम्स इन योर माइंड, नाउ यू हैव नोन द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड थिंग दैट कम्स इन योर माइंड इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी केमिस्ट्री को पढ़ने की और कहां कहां केमिस्ट्री है. सो व्हेन यू विल लुक अराउंड, ठीक है, एवरीवेयर इज केमिस्ट्री. आप जहां भी देखते हैं वहां एक केमिस्ट्री है, वहां कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस चल रहा है. ठीक है, लेट सपोज इफ आई टेल यू कि डायमंड कहां से मिला हमको, फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट द डायमंड. सो द आंसर इज दैट जब हम कोल को, ठीक है, बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में रखते हैं तो हमें डायमंड मिलता है. नन ऑफ अस हैज सीन दैट, हमने किसी ने भी नहीं देखा ना वो चीज होते हुए, बट ये प्रोसेस होता है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऐसा कुछ मैजिक तो हो नहीं रहा कि एक कोयला जिसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है वो कन्वर्ट हो गया एक डायमंड में जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ऐसा क्या हुआ है. सो देयर इज अ केमिकल फॉर्मुलेज एंड द केमिकल प्रोसेसेस हैपनिंग देयर. ठीक है, तो तभी कोल डायमंड में कन्वर्ट हुआ. तो यहाँ एक केमिस्ट्री है. लेट सपोज मैं कोई हैंकरचीफ क्लीन करती हूँ वाटर से, तो उसके स्टेन्स उतना क्लीन नहीं होंगे, बट इफ आई विल यूज डिटर्जेंट विद वॉटर उस हैंकरचीफ के सारे स्टेन्स क्लियर हो जाएंगे. राइट, सो हियर वी हैव सीन द केमिस्ट्री, दिस इज द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री कि कुछ केमिकल यूज किया और काम हो गया, सारे स्टेन्स हट गए हैंकरचीफ से. सिमिलरली रेन, थंडरस्टॉर्म, एनवायरमेंट चेंजेस, वॉट एवर दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, द ब्रीदिंग प्रोसेस, आर फंक्शनिंग, एवरीथिंग इज सराउंडेड विद केमिस्ट्री. You are surrounded with chemistry, I am surrounded with chemistry. ठीक है, Everywhere you look, we have chemistry. ठीक है, This is the importance. Medicinal field, dyeing field, that is clothing. The clothes that we wear, color कहां से आया उसमें? Because we have done the coloring or the dyeing of the fabric. जैसे हमने dyeing करी fabric की वैसे उसमें color generate हो गया. Large number of colors we have today. Large number of medicines of the different and the large number varieties of diseases are present today. कैसे medicines मिली? Chemicals से. So this is the importance of chemistry and welcome to the class of chemistry. Let's study it further. इसके बाद ये हुई importance. ये importance आपके NCERT का जब आप chapter open करेंगे chapter number 1 जो कि हम पढ़ रहे हैं, आपको first 2 pages में chemistry के importance के बारे में काफी notes मिलेंगे. You can refer to that notes for much more detailing and each field, to know each field. Now the second thing that comes in our mind is very basic, what is a matter. This we have seen in our like very junior classes also. Matter is anything that has space and occupies mass, anything that has mass and occupies space. कोई भी ऐसी चीज, let's suppose ये duster, इसका कुछ वेट है, ये कोई स्पेस ले रहा है, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ तो इसने कोई स्पेस कवर किया है. ठीक है,
मैटर है, मैटर भी हमारे चारों तरफ है। मैटर तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। लेट मी ड्रॉ द मॉलिक्यूलर पार्ट ऑफ द सॉलिड एंड हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड लुक्स लाइक। सो हेयर वी हैव सॉलिड, very tightly packed particles. Particles are very tightly packed. Here we have liquid, the particles have little bit freedom of moving here and there. And if we talk about gases, the particles are completely free to move here and there. In this we have taken the example of bus. Let's suppose you are traveling and you have moved out in a bus at a official time. ठीक है, 9 o'clock समथिंग आप निकल गए बस में ट्रेवल के लिए। यू विल बी स्टक्ड इन द बस, इतना ज्यादा ट्रैफिक, इतना ज्यादा रश होता है उस टाइम बस में कि आप स्टक हो जाओगे, यू विल नॉट बी इवन टू ब्रीथ प्रॉपरली। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट है जब आपको सांस लेने का भी वो नहीं हो पा रहा, इतना आप कॉम्पैक्टली पैक्ड हो, इतना ज्यादा रश है बस में, कौन सी स्टेट है? वो है सॉलिड स्टेट। अब नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचे, नेक्स्ट स्टॉप पे कुछ लोग वहां से निकल गए, ठीक है, बस से उतर गए हैं। नाउ कौन सा स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। अब आप चलो ब्रीथ कर पा रहे हो प्रॉपरली, स्टैंड कर पा रहे हो बस में। थर्ड स्टेट इज गैसियस स्टेट, जहां पर कि लास्ट स्टॉप पे आपको जाना है। ठीक है, तो लास्ट स्टॉप तक बस पूरी तरह खाली हो गई, वैकेंट हो गई। नाउ यू आर फ्री टू मूव, यू आर फ्री टू सिट, यू आर फ्री टू स्टैंड। ठीक है, दैट इज अ गैसियस फेस। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो एज वी हैव सीन, इट हैज फिक्स्ड शेप एंड साइज। ठीक है, इसकी फिक्स शेप नहीं होती, नो फिक्स शेप, बट इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। एज वी नो लिक्विड्स टेक द वॉल्यूम उनका सेम रहता है, बट लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विद देयर फूड। जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है वही शेप ले लेते हैं। मैंने कप में रखा तो कप के शेप का, मैंने कोई बड़ी बॉटल में रखा बॉटल के शेप का। ठीक है, बट वॉल्यूम फिक्स रहता है। अगर 1 लीटर वॉल्यूम है तो 1 लीटर ही दूसरे में भी है। ठीक है, गैसेस नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, ना तो शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। लेट सपोज अगर हम बात करते हैं इंसेंट स्टिक की, जैसे अगरबत्ती की, तो आपने देखा होगा आपके घर में अगरबत्ती को तो लाइटन अप करते हुए, तो उसका स्मोक जो होता है वो हर डायरेक्शन में जाता है, देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। ना तो उसका कोई फिक्स शेप है उस धुएं के जाने का, ना उसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है कि इतना ही वो उसमें से स्मोक निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज फ्री। ठीक है, so this is here we have talked about solids, liquids and gases. Now there are solids are rigid also and incompressible. मतलब आप इसकी बात करें, इसको आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, है ना, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते आप इसको, दबा नहीं सकते ऐसे, और ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। लिक्विड्स इनकॉम्प्रेसिबल, वेयर एज गैसेस कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, आई एम रबिंग दिस, आप पॉज करके अगर आपने नहीं नोट डाउन किया, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन राइट इट। नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू माइंड इज अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, दैट दे आर इंटरकन्वर्टेड। देखते हैं, दीज आर इंटरकन्वर्टेबल, एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सॉलिड को मैं लिक्विड में चेंज कर सकती हूँ, लाइक आइस, इफ आई हैव टेकन आइस, आइस कैन बी कन्वर्टेड इन टू वॉटर। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जब आइस को वॉटर में चेंज कर देंगे? इट इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक है, वेन लिक्विड इज गोइंग इन वेपर फेज, जब पानी चेंज हो रहा है वॉटर वेपर्स में, इट विल बी नोन एज वेपराइजेशन। एंड जब गैसेस चेंज हो रहे हैं, सॉलिड्स चेंज हो रहे हैं गैसेस में, ठीक है, इट विल बी नोन एज सब्लिमेशन। ये इन प्रोसेसेस के नेम्स हैं,
वन थिंग इंटरेस्टिंग टू नोट कि ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे कि लिक्विड्स को मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना हो, किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, इट इज नोन एज फ्रीजिंग। मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इट इज नोन एज कंडेंसेशन। देन मुझे किसी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, इट विल ऑल्सो बी नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? आई डोंट थिंक इसकी एग्जाम्पल्स की जरूरत है, बिकॉज सॉलिड को लिक्विड मतलब आइस को आप वॉटर में चेंज करते, लिक्विड से गैस, दैट मीन्स यू आर कन्वर्टिंग लिक्विड वॉटर इन टू वॉटर वेपर। ठीक है, उल्टा कन्वर्जन बताती हूँ। लेट सपोज आप गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो सिंपल एग्जाम्पल इज जैसे नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस को आप लिक्विड नाइट्रोजन में भी चेंज कर सकते हैं। गैसेस से आप सॉलिड्स में आ रहे हैं, ठीक है, तो गैसेस से सॉलिड्स में आने का एग्जाम्पल है फ्रॉस्ट, जो बहुत बहुत ही फ्रीजिंग जगह पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एंड देन सॉलिड से गैसेस में जाना, कोई एग्जाम्पल कैम्फर और द नैप्थलीन बॉल्स, जो हम बेडिंग में नैप्थलीन बॉल्स रख देते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाती हैं। ठीक है, सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नैप्थलीन बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड टू गैस कन्वर्जन। सो दिस इज अबाउट टुडेज क्लास, एंड देन वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you so much.